अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल से हाजिर है। आप भी अभी इस वक्त जो है वो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अपने सहन में बैठा हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा था कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो फिर मैं सोच रहा था कि आज हम लोग जो है वो कतर इस्लामिक म्यूज़ियम जो है आप लोगों के लिए जाएँगे। काफ़ी उसमें अपडेट की गई है तो हम लोग जो है वो आप लोगों को वहाँ जाकर विज़िट करवाएँगे आज का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह मैं बच्चों को उठने का वेट कर रहा हूँ। जिस वक्त बच्चे उठेंगे उस वक्त जो है मैं उनको रेडी करके फिर आप लोगों को वहाँ की सैर करवाता हूँ। देखिए जी, हम लोग इस्लामिक जो म्यूज़ियम आ गए हैं और हमने सोचा है सबसे पहले कि ये अंदर आते ही बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगी थी, हम लोगों ने इसको कैप्चर किया और फिर हम लोग सोचे थे कि जो है ना पहले पूरा एक मंजर का तस्वीर वो ले लें अपना। तो ये मैंने पूरा कैमरा घुमा के ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ है जो लोगों ने इस्लामिक म्यूज़ियम जो बनाया हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा है ये। तो मैंने सोचा कि पहले पूरा एक तरह कैप्चर कर लूँ, उसके बाद जो मैं बच्चों को लेके जो बाहर की तरफ चला गया क्योंकि दिन ढल रहा था और ये शायद 4 बजे का वक्त था शाम के। तो मैंने बोला ये शाम हो जाएंगी, इससे पहले पहले जो है वो बाहर का जो है मंज़र वो दिन के वक्त ले लूँ क्योंकि शाम होने के बाद जो ये बिल्कुल एक अलग लुक देता है। शाम के वक्त की मैंने अलग वीडियो बनाई है लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सुबह के वक्त की वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों को जो बिल्कुल साफ साफ तरीके से दिखे कि दिखता किस तरह है, क्योंकि जो लोग कतर में नहीं रहते हैं, कतर से बाहर हैं, जो मेरे पाकिस्तान में फ़ैन हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी लिखा था कि मुझे दिन के वक्त थोड़ी वीडियोज़ बनाया करें ताकि साफ साफ दिखें। साउथ बड़ा खुश था, साउथ बहुत इन्जॉय कर रहा था, तो साउथ को मैंने डांट के यहाँ पीछे किया तो बिल्कुल ही आगे की तरफ जा रहा था, नीचे बिल्कुल गहरा समुंदर है जहाँ पे इन लोगों ने शार्क छोड़ी हुई जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये वही म्यूज़ियम है जहाँ पे इन लोगों ने बड़ी शार्क छोड़ी हुई है। अब ये देखिए बिल्कुल सामने से मैं मंज़र ले रहा हूँ, इतना कोई खूबसूरत मंज़र था मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ से पूरा कतर दिखता है एक तो। दूसरी बात ये कि इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं इसको आपके बारे में क्या बताऊँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना प्यारा कोई मौसम था, बादल बने हुए थे और ये देखिए यहाँ से पूरा सूख वाकिफ दिख रहे हैं। तो जितना आप कैप्चर करेंगे ये वो देखें, वो 3D सिनेमा जो आपको दिखा रहा हूँ, वॉक सिनेमा जहाँ से हम लोग थोड़े दिन पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था जहाँ पे हम लोग मूवी देखने गए थे, ये वो दिख रही हुई, ये वो वाली बिल्डिंग है जो यहाँ से दिख रही है। तो यहाँ से तकरीबन आपको सब कुछ दिखेगा, ये देखें ये वो वाली बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग थोड़े दिन पहले गए थे बच्चों के साथ मूवी देखने के लिए, और ये देखें जी ये इन लोगों ने जहाँ पर कश्तियाँ खड़ी की हुई हैं, और ये जो है ये ख़ास तौर पर जो है ये शाम के टाइम जो है वो सुबह के टाइम बिल्कुल फजर का टाइम ये निकलती है यहाँ से शिकार करने के लिए मछली का, ठीक है ना। तो उनको सिर्फ सुबह के टाइम ही अलाउड है, बाकी टाइम जो है यहीं पे खड़ी रहती हैं ब्यूटी के लिए। अच्छा यहाँ का आप देखें ये पूरा एक कतर दिख रहा है, यहाँ से पूरा कतर का जो कॉर्निश की जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सारी यहाँ से कैप्चर हो रही हैं। और यहाँ का मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर जो देखने का एक मज़ा था, यानी मैं आपको उसके बारे में यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अगर आपका कभी भी ज़िंदगी में एक मौका मिले कतर में आने का तो कतर में ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और माशाल्लाह से यहाँ पे जो इस्लामिक आर्ट जो है म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे ज़रूर आइएगा, यहाँ से जो नज़ारा देखने का बहुत ही खूबसूरत है। बहरहाल शाम ढल रही थी, हम लोग अंदर की तरफ आ गए और आशा की नज़र पकड़ ली थी कि भैया मुझे जो है वो ओके कहते हैं उसको ये जो होटल बना हुआ यहाँ से देखना। अच्छा ये जो पार्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ अपना कुछ खा रहे पी रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस शीशे के पास खड़े हो जाएं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बिल्डिंग है म्यूज़ियम की मूव कर रही है पानी के ऊपर। ये इतना प्यारा कोई यानी एक्सपीरियंस है कि आप जिस वक्त यहाँ पे खड़े होंगे पानी की लहरें पीछे की तरफ जा रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि म्यूज़ियम जो है पानी के ऊपर ही बिल्डिंग चल रही है। बहरहाल हम लोग फिर ऊपर की तरफ चले गए, आशा ने जिद पकड़ी हुई थी कि अब मुझे पूरा म्यूज़ियम देखना है और टाइम चला जाएगा तो मैं उस तरह देख नहीं सकूँगी क्योंकि टाइम जो है वो लेट हो गए थे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर, उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा खाने खाने चले गए थे तो इससे लेट हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने जो कहा चलो हम लोग जो है तुम आशा म्यूज़ियम देखो तो हम लोग थोड़ी सी जो है वीडियो बना लेते हैं। तो फिर मैंने जो है ये पुराने ज़माने के जो आप देखें जो ये मुग़ल बादशाह वगैरह हैं उनकी जो है मैंने वीडियोस बनाई है और साथ ही साथ जो है इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने कैप्चर की है और कोशिश की है कि मैं क्लियर करूं उसे कैप्चर करने की ताकि अगर जो लोग इसको टीवी पे देख रहे हैं ख़ास तौर पर वो जो है इसे पढ़ भी सकें, ठीक है ना। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते कतर में
या जो लोग विज़िट नहीं कर सकते उनको जो है मैं अपनी वीडियो के थ्रू जो है वो उनको दिखा सकूँ कि ये अंदर से इतनी खूबसूरती का इन्होंने बनाया हुआ, इतना खूबसूरत बनाया हुआ अंदर से, यानी हर चीज़ यूनिक है, हर पार्ट की लाइट्स अलग की गई हैं, हद तक आप देखें फ्रेम्स भी जो लाइट मारी गई है वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। और पीछे इन लोगों ने डार्क रखा था हिसाब किताब, मारा की गई थी जिससे मारे को मैंने कैप्चर किया। ये देखें जी, ये कितने साल पुराने कुरान जो इन लोगों ने बहुत यानी 400 साल या 300 साल पुराने जो कुरान जो लिखे गए थे वो हैं। अच्छा जी, कालीन जो हैं ये सब जो बादशाहों के ज़माने के हैं, इनके ऊपर डेट्स भी लिखी गई थी। अच्छा, ये सामने देखें जो इन लोगों ने बताया हुआ, ये इस दरबार में बना था और किस तरह बनाते हैं वो वीडियो सामने चल रही है। एग्जैक्टली ये जो कारपेट पड़ा है उसी की वीडियो सामने चल रही है कि ये कारपेट इस तरह बनाया गया है। और इससे पहले जो आपको मैंने आपने फ़ोटो देखी वो उस बादशाह के दरबार में वहाँ पर वो यानी इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये बाकी जो है अलग अलग कारपेट हैं जो इन्होंने दिखाए हुए, जो शाही बादशाहों के घर में जो यानी शाही फैमिलीज की जो उस वक्त थी, जो मुगल बादशाह वगैरह और अकबर बादशाह वगैरह जो भी थे, तो उनके घर में जितने जो कारपेट वगैरह थे वो ईरान के ख़ास तौर पे जो है ये कारपेट हैं। तो ये है कि मैं जितना ज़्यादा मूव कोशिश कर रहा था कि जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ और जितना ज़्यादा चल सकूँ तेज़ तेज़, ताकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि इसमें एक दफ़ा तो उन्होंने बता दिया था कि भैया ये बंद होने वाला है और थोड़ी देर में जो है आप लोग जो है अपने आप को तैयार करें बाहर जाने के लिए। तो ये कुरान की जो आप देखें, ये पुराने वक्तों में कुरान जो छोटे छोटे वर्गों में और छोटे छोटे उसमें था, हालतों में था, तो ये सारे वो इन्होंने म्यूज़ियम में दुनिया से मंगवा के रख लिए, ठीक है ना। और फिर ये देखें दोबारा से जो है अलग अलग किस्म के जो है वो कारपेट रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये उसके बारे में थ्योरी है कि ये कहाँ से आए, कहाँ से हम लोगों ने मंगवाएं और ये कितने साल पुराने हैं कारपेट, ठीक है ना। ये उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस चीज़ इस म्यूज़ियम में एक बार अच्छी लगती है, इन लोगों ने जगह जगह पे प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कारपेट किस तरह बन रहा है। ये शाही घर दिखाए गए हैं कि ये कारपेट इस शाही घर में इस तरह रखा गया था, यानी उस तस्वीरों को जो है अपने कैप्चर किया हुआ है और प्रोजेक्टर पर चलाया हुआ है। और हर चीज़ इन लोगों ने आपको जगह जगह पे दिखाई हुई है और तस्वीरें बना के दिखाई हुई है कि ये चीज़ इस तरह बन रही है। देखिए ये कारपेट है और ये बताया गया कि ये इस तरह बन रहा है एग्जैक्टली, और इसको बनाने का तरीका ये है। और ये देखिए ये जो राइट पे जो तस्वीर लगी हुई है, अपना कारपेट लगा हुआ है, उस सामने उसको जूम करके बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए मैं आपको जूम कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ये उसमें थिएटर उसमें जो है वो प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली इस तरह बनाया था और इतने सन में और इस तारीख में ये बना गया है और इस तरह बनाया गया है। बाकी ये जो है अपना आप देखेंगे इन लोगों ने वो शाही घराने के जो बादशाह थे कपड़े और बताया गया किस तरह वो रहन सहन था उन लोगों का, ठीक है ना। तो ये मैं आके जूम कर रहा था, इनकी तस्वीरें वगैरह, इनकी हिस्ट्री थी, इसमें पुरानी पुरानी किताबें थी और जो पुरानी किताबें थी उनकी जो इन्होंने वीडियोज़ वगैरह उनको हाथ लगाना तो मना था, इसलिए मैं करीब से कैप्चर कर रहा था कि बता रहे थे कि ये बादशाह इस सन में यहाँ पे था और उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री थी उसकी बस उन बुक्स में, पता नहीं कितने साल पुरानी बुक्स वगैरह थी। अभी तो बहरहाल अपना ये मैंने कैप्चर किया हुआ जिसका आप देख रहे हैं 1869 की, ये 1669 की मुझे, ठीक है ना। तो अगर ये आप टी वी में देखेंगे तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। मेरी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं जो है वो तेज़ तेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के चक्कर में जो है मैं हर चीज़ को जूम करके वो दिखा रहा था। अब ये देखें शाही घर के जो ये ड्रेस है, ये लेडीज़ ड्रेस है, ठीक है। अच्छा, ये इन लोगों ने बताया हुआ कि उस वक्त जो अंग्रेज़ औरतें थी वो इस तरह के कपड़े पहनती थी, ठीक है, और मॉडर्न जो थी, ठीक है, और फिर जो महारानियाँ थी वो जो मॉडर्न थी महारानियाँ वो इस तरह के कपड़े पहनती थी, ठीक है ना। तो ये उस वक्त के जो गोरियाँ थी अंग्रेज उस वक्त के जो ये उनकी ड्रेस हैं, और साथ में जो है वो जो हमारे जो देसी लोग जो थे उनके। अब यहाँ ये देखें ये मलका के कपड़े हैं, आप देखें कितने प्यारे तरीके से ये डिज़ाइन थे। अच्छा, इसको देख के मुझे अर्तुगरुल का बड़ा याद आ रहा था, वो मैंने अर्तुगरुल ड्रामा देखा था। तो जगह जगह पे जो है जिस तरह से अंग्रेज़ों ने उसमें अंग्रेज़ औरतों ने कपड़े पहने थे वो, और जिस तरह से अर्तुगरुल ने कपड़े पहने थे वो, और जिस तरह से उनकी वाइफ और उनकी फैमिलीज ने कपड़े पहने थे जो अमीर लोग थे उनमें वो। अब आप ये देखें जो पोशाक है जो ये बिल्कुल उस तरह बनाई गई थी जो अर्तुगरुल में जो अमीर लोग पहनते थे,
ठीक है ना, ये शॉल्स हैं आप देखें, इन पे इतना ज़बरदस्त प्यारा काम किया गया। अच्छा, जब ये मैं देख रहा था ना तो मुझे अर्तुगरुल के ड्रामे की बड़ी याद आ रही थी। आप देखें कितनी बारीकी से काम किया गया और कैसा प्रोफेशनल काम किया गया कि मैं तो यहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहा जबकि मेरी वाइफ ने मुझे बाद में आवाज़ दे के बुलाया कि भाई आ जाओ। तो अच्छा, ये देखें जो ये मॉडर्न ड्रेस हैं आप पीछे देख, पीछे की तो जो जैकेटें बनी हुई हैं, ये उन लोगों ने उसके बारे में बताया गया कि ये जो किस तरह बनाई गई थी, कौन से सन में बनाई गई थी। ये उस ज़माने की मॉडर्न ड्रेस थे जिस तरह हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से मेरी अपने कैमरे की आँख आपको दिखा पा रही है, तो अल्लाह करे ये वैसे ही दिखे जिस तरह ये जो है ये वहाँ पे दिख रहा था। क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा फर्क था, इससे मुझे थोड़ा सा वो फील हो रहा था कि मैंने कहा कहीं ये उस तरह ना दिखे, यानी जिस तरह मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसको मैंने देखे जूम किया है, इस ड्रेस को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे इतना पसंद आ रहा था क्योंकि इसका काम एक यूनिक तरीके से था वहाँ पर। बहरहाल ये साउथ को मैंने जब इसकी हिस्ट्री बताई तो साउथ भी मुझे बोल रहा था कि वो अर्तुगरुल का जो ड्रामा देखा है ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। ये देखें जी, उस ज़माने के पर्स काफ़ी साल पुराने, उस ज़माने की मॉडर्न जो अंग्रेज़ औरतें थी वो इस्तेमाल करती थी। बहरहाल फिर हम लोग शाम को टाइम वहाँ से, क्लोजिंग में टाइम हो रहा था, हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। अच्छा, बाहर जो हम जब आए तो वहीं पर जो मियाँ पार्क लगता है, यहाँ पर देसी लोग आते हैं और जुमे को जो है अपने स्टॉल लगाते हैं, डिफरेंट फूड, पूरे एक किस्म की फूड स्ट्रीट बन जाती है। उसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, कतलम्बे भी मिलते हैं, समोसे और हर चीज़, बिरयानी, पुलाव, एवरीथिंग। पाकिस्तानी ज़रा तो लोगों ने लगाया हुआ है, इंडियंस और पाकिस्तानी लोगों ने लगाया हुआ है और इसका नाम है मियाँ बाज़ार। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं वो अपने कपड़े भी बेचती हैं, शलवार कमीज़ वगैरह जो हैं पाकिस्तान से बुला के मंगवा के। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी, आपको हर तरह का शलवार कमीज और जितने पाकिस्तानी पर्स और एवरीथिंग जो पाकिस्तान का जो है वो आपको मिल जाएगा। लोगों ने पाकिस्तान से ला ला के जो है वो यहाँ पे बेचते हैं। अच्छा, ये हम लोग जहाँ पे कैरिडोर में चले गए, यहाँ पे देखें जब, अब ये शाम के टाइम का वक्त आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ निकला हूँ और ये मैं आपको शाम का व्यू दिखाने के लिए मैं वापस जा रहा था, लेकिन बस मैंने कहा कि शाम को आपको व्यू दिखा दूँ कि शाम के टाइम ये ऊपर इस तरह दिखते हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये ऊपर शाम के टाइम में ऐसा दिखता है, इसलिए मैंने पहले जो है वो सुबह का टाइम दिखा दिया था आपको, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए। और ये जो है ये शाम का टाइम है। अब देखें जो इन्होंने पानी रखा हुआ है यहाँ पे, जो ये पानी का ये जो बनाया हुआ है अपना क्या इसको बोलेंगे, तो ये फाउंटेन्स वगैरह के लिए जो इन लोगों ने ये पानी वगैरह यहाँ पे रखा था। यहाँ पे अगर आप सुबह का टाइम आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैंने देखा है कबूतर जो परिंदे हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। अच्छा, और ये आप देखें जब इस पे शाम को जो लाइट्स जब पड़ती हैं इन पानी पे, तो ये और खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, शाम की ब्यूटी कतर की आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब दोबारा से देखिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ वही सीन जो मैंने दिन के वक्त कैप्चर किया था। अब ये बिल्कुल ही अलग मंजर दिखा रहा है। अब यहाँ से ये इतना कोई खूबसूरत दिख रहा था जब मैं देख रहा था, इसलिए मैं आपके लिए जूम भी कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। ये पूरा कॉर्निश का एरिया जहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ठीक है। और इतना कोई लाइट और इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो समुंदर बहुत खूबसूरत लग रहा था, यहाँ से ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था कि दिल कर रहा था कि आधा एक घंटा बस उधर बैठ जाएँ, कुर्सी लेके उधर बैठ जाओ, कोई हमको जो है ना गरम गरम पकौड़े वगैरह चाय के साथ खिला रहा हो और वहीं से बैठ के नज़ारा देखते रहे। दिल नहीं कर रहा था हटने के लिए, लेकिन वो बस मजबूरी थी। वहाँ से फिर हम निकले और फिर हम लोगों ने जो है खाना वाना खाया, बच्चों ने कबाब वगैरह की ज़िद की थी तो फिर हम लोगों ने तुर्की कबाब वगैरह मंगवा लिए। हम सिटी सेंटर चले गए थे खाना खाने के लिए और फिर वहाँ पर हम लोगों ने एक मिक्स सलाद की ट्रे मंगवा ली थी, बच्चों से कह रहे थे। फिर हम लोगों ने ये मिक्स सलाद देखें जी, ये अरबी सलाद होता है मिक्स किस्म का, ठीक है ना, इसमें सब कुछ होता है, फूल, हम्मस और 10 किस्म की चीज़ें होती हैं। बहरहाल वो खाने के बाद फिर हम लोग जो है घर की तरफ हम लोगों ने वापसी लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।